जबान बना रही हूँ। देखिए जबान का मिठा सालन, 1 किलो जबान है ऐसा पीसा करके मंगाई। देखिए मैं 1 किलो जबान में नल्ला है और ये जबान है, ये एक 6 से 7 हरी मिर्ची है, एक कुतपीर कट्टा, एक पुदीने का कट्टा, 2 चमचे अदरक लहसुन, आधा चमचा हल्दी, 2 चमचे मिर्ची, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा इलायची पाउडर, आधी किलो प्याज है। देखिए आगे तक मेरा वीडियो देखिए। चूल्हा सुलगा के कुकर रखी। देखिए कुकर के अंदर मैं प्याज कट कर ली, बारीक कट करी। देखिए प्याजों, इसके अंदर मैं 3 चमचे तेल डाली, 3 चमचे तेल डाल के उसको अच्छा भून रही हूँ। देखिए नीचे ऊपर उसको तेज़ चूल्हे पे भून रही हूँ मैं एक अच्छा, कम से कम उसको 3 मिनट 4 मिनट भुनी। उसके बाद हल्दी नमक डाल रही हूँ उसके अंदर, हल्दी नमक डाल के उसको अच्छा और 2 मिनट भूनती हूँ। देखिए 2 मिनट के बाद मैं उसके अंदर अदरक लहसुन डालती हूँ। ये अलग अलग चीज़ें डाल के जब भूनते ना तो इसमें टेस्ट आता हंडी में, तो मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। देखिए जितना बताई ना आप लोगों को, तो उतना ताज़ा डाले ना तो अदरक लहसुन का मज़ा अलग रहता है, जब का जब अपन पीस के भी डाले। अगर ऐसा पीस के करके रखे तो उसमें क्या है, ताज़े में ताज़े की बात नहीं आती कितना भी बोलो। तो मैं चूल्हा कम करी। देखिए चूल्हा कम करके उसके अंदर मिर्ची डाली, मैं ज़बान को अच्छा धो ली थी। देखिए तो ये बड़े बड़े पीसां करके मंगाई, ये ज़बान है और नल्ला है। देखिए तो ये आसान तरीक़े से बना के बता रही हूँ। देखिए इसमें कुछ ऐसे मसाले नहीं है, गरम मसाला, इलायची पाउडर, हरा मसाला छे, देखिए नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन है। तो अब मैं इसको 10 मिनट भूनती हूँ। देखिए इसको 10 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन लगाती हूँ। इसको जितना अपन कम पे रख के ऐसा भून के पानी डाले ना तो वो मज़ा अलग रहता। एकदम अपन दन दन पानी डाल के चढ़ा दिए ना तो उसका टेस्ट अलग हो जाता, मद हो जाते सालने पूरे। तो अब इसको कम से कम मैं 15 मिनट ऐसी भून ली। देखिए 5 मिनट पहले नमक मिर्ची डाले, खुद भुनी, फिर बोले तब जबान डाले, बाद 10 मिनट भुनी। देखिए 15 मिनट के बाद इसमें 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास पानी डाल के इसको कम से कम 20 मिनट चूल्हे पे रखती हूँ। देखिए 20 मिनट के बाद निकाल के बताती हूँ मैं आप लोगों को। 3 सीटियाँ होने दी। देखिए मैं 3 सीटियाँ हो गए बाद उसको 20 मिनट कम पे रखी थी, 20 मिनट के बाद निकाल के बता रही हूँ आपको। जबान भी गल गई और प्याज का अता पता नहीं है। देखिए प्याज भी गल के मस्का हो गई। तो इसमें मैं ये गरम मसाला और बोले तो इलायची पाउडर डालनी। देखिए तो इतना मज़े का होता है इस ज़बान का सालन, यकीन मानिए आप, इतना ज़बरदस्त आसान तरीक़े से है और बोले तो ज़बरदस्त भी उतना छोटा। तो इसमें 4 हरी मिर्ची कट करके डाली। देखिए मैं तो अपन इसको ज़्यादा अपन ढीला भी कर सकते हैं इसको, और कम पानी डाल के भी अपन जितना मीठा सालन जैसा बनाते ना सेम वैसा भी बना सकते हैं। आप इसको शेरवा बना के भी खा सकते। तो मैं ये पूरा कुकर का धो के उसको साइडों से ज़र्रा ढीला ढीला करी। देखिए चावल के साथ भी खा सकते, रोटी के साथ तो और ज़बरदस्त होता। इसमें पुदीना और कोथमीर डाली मैं, 1-2 मिनट के बाद निकाल के बताती हूँ। देखिए उसको तेल आए बाद, तो 2 मिनट हो गए। देखिए 2 मिनट के बाद मैं ढक्कन निकाल के बता रही हूँ आपको उसको अच्छा मिला के। तो ये ज़बान का सालन, इसमें निहारी भी इतनी मज़े की बनती। देखिए निहारी और बोले तो अपने को चाकना भी बना सकते इसका, ज़बान का चाकना भी ज़बरदस्त होता, निहारी भी ज़बरदस्त होती, इतनी ज़बरदस्त होती, उससे इजाफा ये मीठा सालन होता। देखिए तो होगा, देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।